ओम शांति। 4 अप्रैल आज बाबा हम सभी को कह रहे हैं, तुम्हारी ये यूनिवर्सिटी भी है और हॉस्पिटल भी है, यहाँ पढ़कर तुम एवर हेल्दी बन जाते हो। देखिए, पढ़ाई से एवर हेल्दी, आज तो सबकी रोगी काया हो गई है। बाबा कह रहे हैं 21 जन्म तक क्या 50 जन्म तक तुम्हें कोई रोग नहीं होता है, तुम सदा निरोगी रहते हो। और इम्पोर्टेंट बात है आज की मुरली में कि धंधा आदि करते कर्म करते तुम्हें मुझे याद करना है। तुम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास फुर्सत नहीं है। धंधा आदि करने में बहुत अच्छे अभ्यास किए जा सकते हैं। अगर हमें ये प्रैक्टिस हो जाए तो हमारा जीवन बहुत ही योग युक्त हो जाए। बाबा कह रहे हैं तुम योग नहीं करोगे तो तुम्हारे भी कर्म कैसे विनाश होंगे, तब तुम पावन कैसे बनोगे, इसलिए इसमें कुछ भी बहाना नहीं करो। ज्ञान बाबा दे रहे हैं, बाबा कह रहे हैं मैं ज्ञान का सागर हूँ, मैं स्वयं तुम्हें ज्ञान देने के लिए आ गया हूँ, मैं बता रहा हूँ तुम कौन हो और मैं कौन हूँ। पहले आत्मा का परिचय दे रहे हैं, तुम आत्मा अति सूक्ष्म हो, पूरा पाठ तुम में भरा हुआ है, एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती हो, ये मस्तक तुम्हारा अकाल तख्त है। अकाल तख्त और कोई बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि आत्मा अकाल मूर्त है, इसलिए जिस तख्त पे वो बैठती है यानी शरीर में बैठती है उसको अकाल तख्त कहते हैं। बाबा कह रहे हैं मुझे अपना अकाल तख्त नहीं है, लेकिन मैं इस ब्रह्मा के अकाल तख्त को आकर यूज करता हूँ, इस पर बैठ जाता हूँ और इसमें ही बैठकर मैं तुम्हें अपना परिचय दे रहा हूँ कि मैं निराकार हूँ, मैं देहधारी नहीं हूँ। तुम्हें न आकारी को याद करना है न देहधारी को, मैं इन दोनों से परे हूँ। लोग तो कह देते हैं, एक और कहते हैं वो हमारा परम पिता है, दूसरी ओर पूछो कौन है तो बस एक ही उत्तर है, वो सब जगह है, इसके अलावा उसके बारे में कोई कुछ जानता ही नहीं। बाबा कह रहे हैं दुनिया में भगवान को ही कोई नहीं जानता है, मैंने तुम्हें आकर ज्ञान दिया है मैं कौन हूँ तुम कौन हो, इस ज्ञान से ही तुम्हारी सदगति होती है, तुम पतित से पावन बन जाते हो। तो तुम्हें भी बहुत शौक होना चाहिए दूसरों को ज्ञान देने का, दूसरे का कल्याण करने का। विचार करो हम किसी का तो कल्याण करे, नहीं तो बाबा उदाहरण दे रहा, तुम ऐसी गाय हो गई जो दूध ही नहीं देती तो उसकी क्या वैल्यू होती है, उसे बाहर रख दिया जाता है, कोई घास भी नहीं खिलाता, उसको कोई पूछता नहीं है, तुम्हें ज्ञान मिला है। तुम अंधों की लाठी बनो, सबको राह दिखाओ, लेकिन बाबा शब्द यूज कर रहे हैं, कई तो खुद ही अंधे बन जाते हैं यानी ज्ञान छोड़ देते हैं, पुनः अंधकार में चले जाते हैं, अपना एक कल्याण कर लेते हैं। फिर से आज बाबा हमें शिक्षा दे रहे हैं, बच्चे तुम रूप बसंत हो, तुम्हें किसी को दुख नहीं देना है, तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रतन ही निकलने चाहिए, तुम सुखदाई हो, तुम्हें सबको सुख ही देना है, इस बात पर इस धारणा पर हमें बहुत ही ध्यान देना है, तो बाबा के हम आज्ञाकारी बच्चे बन जाएंगे। बाबा कह रहे हैं देखो यहाँ कलयुग में भी राजाएं महाराजाएं होते हैं, कोई कोई तो पैसा दे के भी ब्रिटिश गवर्नमेंट से महाराजा का टाइटल ले लेते थे, लेकिन बाबा कह रहे हैं तुम अब जानते हो कैसे लक्ष्मी नारायण राज प्राप्त करते हैं, कैसे ये देवी राज स्थापित हो रहा है, सबसे गहरी बात है ये, हम समझ सकते हैं, इसको संसार में कोई नहीं जान सकता। बाबा कह रहे हैं तुम्हें ये बुद्धि प्राप्त हुई है सत्य और असत्य को जानने की, तुम मंदिरों में जाओगे, सूंड वाले गणेश को देखोगे या पूंछ वाले हनुमान को देखोगे या भिन्न 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 शरीरों वाले देवताओं को देखोगे, तुम्हें पता है ये ऐसे नहीं है, ये सब पूजा पाठ के लिए बना दिए गए हैं। सबसे सुंदर चित्र और मूर्तियां श्री लक्ष्मी नारायण की होती हैं, इन्होंने राज कैसे पाया, कैसे राजाई ली होगी, इसका ज्ञान अब तुम्हें प्राप्त है।
जो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, जो बहुत योग युक्त रहते हैं, जो बहुतों का कल्याण करते हैं, वो ही ऐसी राजाई प्राप्त करते हैं। राजपद उन्हें ही मिलता है, बाकी सब साधारण पद पाते हैं। बाबा कह रहे हैं भले ही यहाँ राजाए महाराजाए हैं और बहुतों के महल भी बहुत सुंदर हैं, जल्दी आजकल तो महल बन जाते हैं, विज्ञान ने बहुत उन्नति कर ली है, लेकिन सोने के हीरो के महल किसी के नहीं है। क्योंकि सोना और हीरा ये सब जो बहुत ज्यादा होते हैं वो सतयुग में, वहीं तुम जाकर इनके मकान बनाओगे, महल बनाओगे, कारीगर बहुत अच्छे हो जाएंगे। विज्ञान यहाँ बहुत उन्नति कर रहा है, मकान बनाने का भी जो विज्ञान है वो बहुत प्रगति को पा रहा है, तो फटाफट तुम्हारे महल बनेंगे, एक आध साल में ही सुंदर महल बनकर तैयार हो जाएगा, समय नहीं लगेगा। तो बाबा तुम्हें एक सुंदर पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, सत्य ज्ञान दे रहे हैं, तुम्हें इस ज्ञान को अपने चिंतन में लाना है, तो व्यर्थ का सारा चिंतन समाप्त हो जाएगा। फिर बाबा हमें ध्यान खिंचा रहे हैं, तुम बहुत ज्यादा याद में रहोगे तो तुम्हें खुशी भी बहुत रहेगी और ताकत भी बहुत मिलेगी, इसलिए अपना चार्ट रखो। बाबा कहते हैं कई बच्चे अपना चार्ट भेजते हैं कि बाबा हम इसी तरह से योग में रहते हैं, बाबा बहुत खुश होते हैं। लेकिन याद और सेवा दोनों बहुत अच्छी होनी चाहिए। कई बच्चे सेवा के महारथी हैं, सेवा फर्स्ट क्लास करते हैं, लेकिन याद में नहीं रहते, तो बाबा बहुत अच्छी प्रेरणा दे रहे हैं। और वरदान बहुत ही गुह्य है, जिसका आज हम अभ्यास भी करेंगे, कि तुम्हें बाबा की छत्र छाया में रहना है तो तुम विघ्नों से माया से सेफ रहोगे। बहुत सुंदर लाइन है, बाप की छत्र छाया तुम्हें अधिकार रूप से प्राप्त हुई है, तो सर्वशक्तिमान की छत्र छाया हमारे ऊपर है ही, इसको याद रखें। तो इस छत्र छाया में न माया आ सकते, न विघ्न आ सकते, तुम सदा खुश रहोगे, सदा सेफ रहोगे, और बड़ी बात भी छोटी हो जाएगी। स्लोगन, अगर प्रभु प्रिय, लोक प्रिय, स्वयं का प्रिय बनना है तो संतुष्ट आत्मा बनकर रहो। तो आज हम सारा दिन अभ्यास करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं और सर्वशक्तिमान मेरे सिर के ऊपर छत्र छाया है, ये सुंदर अपना चित्र बना लें, है ही वो छत्र छाया, हमें इसमें और कुछ करना नहीं है, हमें केवल इसकी स्मृति में रहना है। ओम शांति। टू वॉच पीस ऑफ माइंड चैनल वीडियोस ऑन यूट्यूब, सब्सक्राइब अस ऑन youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.